एक्साइज विभाग की टीम की ओर से बीती रात मकसूदा मंडी के पास शाने पंजाब रेस्टोरेंट में छापा मारा। इस दौरान एक्साइज अफसर ने बताया कि रेस्टोरेंट में बिना मंजूरी शराब पिलाई जा रही है। उन्हें ऑनलाइन इसकी शिकायत आई थी, जिसके चलते छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि एक्साइज विभाग के नियमों के तहत बनती कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि हाँ जी सर, की नाम जी अपना? रमन भगत। सर अज मकसूदा मंडी के रेड की थी है, वो बारे दस दो। सू एक ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई सी कि इतने नजायज बिना लाइसेंस के परमिट तो शराब लाई जाती है। वो संबंध से फिर इतने चैकिंग हुई है शाम के, रेड किया गया विद एक्साइज पुलिस। सर कि जगह की गई? मकसूदा सब्जी मंडी शाने जलंधर रेस्टोरेंट हैगा, वो अंदर रेड हुई है। सर बंदे फड़े गए? हाँ जी, मालिक तो नहीं सके मौके पर, पर जोड़े शेफ है तो वेटर्स वगैरह राउंड ऑफ किए है। सर देखा जाए मकसूदा मंडी के सब्जी दुकाना, सब्जी के दुकाना होंगे सुनते भी इतने हाथा चल रहा, वो बारे की कहना चाहते हैं? देखो जी, सूँ तो जिदा ही कंप्लेट आई है, इनू आप आता तो कह नहीं सकते क्योंकि आते की तो इन्नी कोई फीस तारी नहीं हैगी सरकारी, इस करके आप जी है कार्रवाई की है। कोई सर शराब भी अंदरों बरामद की है? हाँ जी, शराब दी बोतल बरामद हुई हैं, वो असी अटैच कर रहे हैं केस पर। की सरकार ने कार्रवाई कर रहे हो जी? ये उत्ते हुण आबकारी नियमों के तहत तो कानून के तहत कार्रवाई करांगे। जलंधर से जवेश शेरगिल की रिपोर्ट, आज शाम प्लस।